नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो राजस्थान में 2 महीने हो गए हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को इस्तीफा दिए हुए, ना ही उनका इस्तीफा मंजूर हुआ है और ना ही उन्होंने अपना इस्तीफा वापस लिया है। और अब डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का इस्तीफा पर फैसला डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा करेंगे या भजन लाल करेंगे या जेपी नड्डा करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। उनके इस्तीफे पर फैसला अब देवीय शक्तियां करेंगी, मां भवानी करेगी। ये बात खुद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कह दी। उनका कहना है कि उन्हें किसी से कोई संताप नहीं है, किसी में वो बुराई नहीं देखते, उनका कोई दुश्मन नहीं है। वो तो खुद से ही लड़ रहे हैं, खुद से ही थक गए हैं, खुद से ही हार मान ली है। और अब जिस दिन माँ भवानी कहेगी उस दिन वो इशारा कर रहे हैं फैसला करेंगे, फैसला यही करेंगे, स्वाभाविक है कि इस्तीफा वापस ले लेंगे। तो अब सवाल उठता है कि माँ भवानी कब जागेगी। एक बड़ा सवाल उठता है कि जब डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफा दिया था तब भी माँ भवानी जागी थी, और माँ भवानी के जागने के प्रभाव में आकर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफा दिया था, या फिर भवानी की जगह भावुकता के कारण इस्तीफा दे दिया था। सवाल आप उठा सकते हैं कि इसके पीछे क्या कोई पॉलिटिक्स है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 60 दिन हो गए, अब आला कमान को भी लगने लगा था कि भाई बहुत हो गया, अब इतना वक्त और कितना दिया जाए। तो आला कमान कोई फैसला करती उनके इस्तीफे को लेकर, तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने गेंद बड़ी चालाकी से, बड़ी चतुराई से मां भवानी के पाले में डाल दी। अब चाहते हुए भी आला कमान उनके इस्तीफे पर कोई फैसला नहीं ले सकता, क्योंकि आला कमान को भी अब डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की तरह मां भवानी के जागने का इंतजार करना होगा। अब ऐसे में जब डॉक्टर किरोड़ी लाल कह रहे हैं कि माँ भवानी जागेगी तो मैं इस्तीफा पर फैसला कर लूंगा, यानी इस्तीफा वापस ले लूंगा, तो आला कमान को कुछ दिन तो और देने ही पड़ेंगे। फिर सवाल उठता है कि माँ भवानी जागेंगी कब। माँ भवानी मतलब गांव देहात में खूब होता है कि अंतर आत्मा से जुड़ी हुई बात है। अचानक आपने देखा होगा मंदिरों में भी देवी आ जाती है, देवता आ जाते हैं, और वो जो बोलते हैं वो सच साबित होता है। इस तरह की बात कही जाती है कि माँ भवानी शरीर में प्रवेश कर गई है और सच्चाई सामने आ रही है। अब अंतरात्मा की आवाज कब सुनेंगे, या अंतरात्मा की आवाज कब जागेगी और कब डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के कान में फूंक भरेगी कि इस्तीफा वापस ले लेना चाहिए, बहुत हो गया, जो काम दिया गया है उस काम को अब पूरी ईमानदारी के साथ करना है। एक और इसका एक संदर्भ लिया जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं मां भवानी का मतलब है पावर, शक्ति, देवी आखिर शक्ति का प्रतीक होती है, तो मां भवानी का मतलब है पावर, शक्ति। और बीजेपी में पावर किसके पास में है, पावर का सेंटर सबसे बड़ा कौन है? जेपी नड्डा ना, अमित शाह ना, एकमात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो कुछ लोग कह रहे हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा अपनी आवाज सीधा प्रधानमंत्री तक पहुंचाना चाहते हैं। वो चाह रहे हैं कि जो मां भवानी के रूप में एक बड़ा पावर सेंटर, शक्ति केंद्र प्रधानमंत्री निवास में 7 लोक कल्याण मार्ग में है, वो फैसला करे उनके इस्तीफे का। यानी कोई आदेश, कोई संदेश, कोई मैसेज वहां से आए। क्या ऐसा हो रहा है, क्या ऐसा होगा? उन तो विश्वास किए बैठे हैं कि ऐसा होगा। इस पर थोड़ा सा आगे बात करते हैं, थोड़ी और मजेदार बातें आपको बताऊंगा। पहले देख लेते हैं कि आरक्षण पर उन्होंने एक जो बात कही डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने, वो पार्टी लाइन से हटकर है। उनका ये कहना है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश का फैसले का स्वागत करता हूं, और उन्होंने बार बार कहा कि ये उनकी व्यक्तिगत राय है,
लेकिन इतने बड़े नेता की व्यक्तिगत राय कैसे हो सकती है जो पार्टी की ऑफिशियल लाइन से थोड़ी सी हटकर दिखाई देती है। वो क्रीमी लेयर के पक्ष में बताए जाते हैं, जैसा उन्होंने कहा कि देखिए मैं डॉक्टर बन गया, मैं सांसद बन गया, मैं विधायक कई बार रह चुका, मंत्री कई बार रह चुका, मेरा छोटा भाई प्रशासनिक सेवा में आ गया, अफसर बन गया, तो अब औरों का भी तो विकास होना चाहिए और जो बेचारे गरीब हैं उनको भी तो मौका मिलना चाहिए। गांव में कोई दलित है 30 साल से पहाड़ खोद रहा है, आज भी पहाड़ खोद रहा है, अब तो उसका बेटा भी मिलकर पहाड़ खोदने लगा है, उनको भी तो आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। तो आगे बढ़ने का मौका वंचित लोगों को दो तरीके से मिल सकता है, एक क्रीमी लेयर हो जाए SC ST में तो ज़्यादा मौके मिल जाएंगे वंचित वर्ग को, एक SC ST का वर्गीकरण हो जाए, कोटा में कोटा हो जाए तो भी ज़्यादा मौके मिल जाएंगे डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के उस दलित को जो 30 साल से गरीब को जो 30 साल से पहाड़ खोद रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी साफ कर चुके हैं कि आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था में किसी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा और क्रीमी लेयर वाली बात तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं थी, सिर्फ सुझाव भर था, लेकिन उस पर भी वो साफ कर चुके हैं कि क्रीमी लेयर का तो सवाल पैदा ही नहीं होता है। OBC में क्रीमी लेयर जिस ढंग से होता है SC ST में नहीं होगा। तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की अंतरात्मा इस मामले में तो जागी है, उन्होंने अपने दिल की बात सामने रख दी है। ऐसे कितने नेता होते हैं जो दिल की बात सामने रखें, तो ये चीज तो उनके पक्ष में जाती है, इसके लिए तो उनकी मुझे लगता है कि ईमानदार राय के लिए तारीफ की जानी चाहिए। लेकिन सवाल फिर वही उठता है माँ भवानी का, अंतरात्मा की आवाज कब जागेगी, या फिर माँ भवानी शक्ति पावर पॉलिटिकल पावर इज इक्वल टू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहां तक आवाज जाएगी और वहां से कोई मैसेज का इंतजार कर रहे हैं, ये देखना भी दिलचस्प रहेगा। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।